हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यू के 04 अली ब्लॉग्स। कैसे टू मैं प्ले आई हो, सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज मौसम चेक कर सकते हो आप, इतना सेक्सी मौसम हो रहा है, बहुत ही ख़तरनाक मौसम हो रहा है, बहुत ही विकट वाला, और हल्की हल्की बरसात भी हो रही है। तो बस मैं सोच रहा हूँ आज बरसात में ना भीगूँ मैं और सही सलामत पहुँच जाऊँ, क्योंकि सफ़र में मुझे भीगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं लग रही कि मैं आज बिना भीगे पहुंच जाऊंगा। तो आज हम निकले हैं एक छोटी सी राइड पे अपनी, और मौसम चेक कर सकते हो आप, पूरा देखो ना कितना ख़तरनाक मौसम हो रहा है, बहुत ही ख़तरनाक मौसम हो रहा है। तो बस बिना भीगे पहुंच जाऊंगा, इसमें ठीक ठाक पहुंच जाऊं। हवा लग रही है ना, बहुत ठंडी हवा लग रही है। तो सामने का मौसम जैसे कि आप चेक कर सकते हो, सामने देखो क्या तगड़ा मौसम हो रखा है ना, बहुत तगड़ा मौसम हो रहा है आज, अलग ही लेवल का मौसम हो रहा है आज। तो अब निकलते हैं हम। तो इस एरिया में बरसात सबसे ज़्यादा होती है, तो बस ये एरिया पार करना है हमें। अगर हमने ये एरिया पार कर दिया, भीमताल से अगर नीचे गए तो थोड़ा कम मिलेगी बरसात, तो फिर काठगोदाम साइड में जा कर के ज़्यादा मिलेगी हमें। तो भाई रोड ही कितनी खतरनाक हो रही, बहुत खतरनाक रोड ही हो रही छोटी छोटी। ये देखो बरसात, जितनी आगे जा रहा हूँ ना इतनी तेज बरसात हो रही है। पीछे हल्की बूंदा बांदी थी, यहाँ आकर के और तेज हो गई है। तो ये हम पदमपुरी पहुंच चुके हैं। भाई बहुत ही भयंकर मौसम हो रहा आज, पूरा देखो ना सामने कोहरा ही कोहरा हो रखा है सब में, और बादल हो रखे हैं, बरसात हो रही है। तो देख रहे हो ऐसे नोले आपको पहाड़ में जगह जगह मिलते रहेंगे, एक एक दो नहीं, ऐसा तो ना कितने झरने मिलेंगे पहाड़ी एरिया में जगह जगह पर। कितना हरा भरा हो रखा है इस समय पहाड़, देख रहे हो कितनी खूबसूरती है इस टाइम पहाड़ में, बहुत खूबसूरती होती है। और आप देख ही सकते हो सब तरफ हरियाली है, और कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है बहुत। तो कुत्तों से बहुत डर लगता है। अभी मैं आ रहा था, पिछली बार तो भीमताल में एक कुत्ते ने बहुत दूर तक पीछा किया था हमारा, तो मुझे कुत्तों से तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। कुत्ते तो कुत्ते ही होते हैं ना भाई, तो कुत्तों से हमेशा बच के रहो। तो बड़ी साइड से निकाल कर लेके जा रहे हैं, भाई साहब चेक करो गाइस, क्या खतरनाक मौसम हो रहा है आज का, बहुत ही प्यारा मौसम, एकदम मतलब रोमांटिक मौसम हो रहा है गाइस।
हल्की हल्की बरसात भी हो रही है और मौसम चेक करो आप। ऐसा मौसम तभी मिलता है यहाँ पे जब बरसात तो रुकती है ना, जैसा बरसात होती है उसके बाद जब बरसात रुक जाती है उसके बाद का जो मौसम होता है ना वो ये मौसम होता है इस जगह का, भीमताल का। भाई बहुत ही सेक्सी मौसम होता है यहाँ का और बहुत ही प्यारा व्यू है, आप देख सकते हो अलग ही लेवल का मौसम हो रहा है आज का। देखो ना भाई मेरे, क्या क्या है रे? तो गाइस आप लोगों को एक बात तो बताना भूल गया मैं, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, बहुत तगड़ा सरप्राइज है, तो कमेंट में बताओ क्या सरप्राइज है। गाइस मैंने सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी सपना सच हो जाएगा, हमारी फैमिली में एक और मेंबर जुड़ने वाला है, तो मुझे सोच के ही इतनी खुशी हो रही है ना, बता नहीं सकता कितनी खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अब देखो गाइस यहाँ पे कितनी खतरनाक पहाड़ियाँ थी, कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, कुछ भी, कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा। और सामने ये देखो पूरी पहाड़ी में पूरा कोहरा रोड में आया हुआ है बिल्कुल। और यहाँ पे चल रही है रील शूट, फोटो शूट, क्योंकि आज मौसम ही इतना तगड़ा हो रखा है ना। वो देखो पूरे बादल रोड में आए हुए थे, ये देखो बादल ही बादल है, पहाड़ी से नीचे बादल है, ये देखो पहाड़ी कितनी ऊपर है, बादल नीचे चेक करो। ये देखो ओ माय गॉड क्या मौसम हो रहा है, ये पहाड़ी कितनी मस्त लग रही है बीच में। हाँ वो वहाँ पे मौसम तो देखो आज का भाई, धूप भी आ गई है हल्की हल्की अभी अभी, बिल्कुल मौसम खुल गया है थोड़ा। देखिए भाई एक्सीडेंट हो रखा है यहाँ पे, वो देख कैसे जा रहा बादल कोरा कोरा सब में। मजा आ गया आज आ रहे हैं सहवाग, ये वाली पहाड़ी को बोल रहा था सहवाग में, बीच में देख और पास कैसे, और बीच में पहाड़ी और पास बादल खाई चारों तरफ।
भाई मेरे आज तो मजा आ रहा है, दिल कर रहा है ऐसे, मन कर रहा है मानो ऐसे ही चलता रहे, इतना प्यारा मौसम हो रहा है आज, घूमता रहूं आज पूरा दिन ऐसे ही। कमेंट में बताना आज का मौसम कितना तगड़ा मौसम हो रहा है, आज के मौसम में मज़ा आया आप लोगों को या नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, ज़रूर कमेंट करके बताना। ओ भाई बस ऐसी पहाड़ियों का खतरा रहता है, पहाड़ में जैसे ही ऊंची पहाड़ी है ना, ये देखो यहाँ से खिसकती रहती है, पत्थर गिरते रहते हैं इससे, तो पत्थरों का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो गाइस आज का ब्लॉग करते हैं यहीं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में प्यारे से सरप्राइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।